हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के एक ऐसे देश की जहां के लोग कुत्ते के मांस को आसानी से खा लेते हैं। दोस्तों, यहां के लोग बच्चा पैदा होने पर उसे एक दिन की बजाय एक साल का मानते हैं। तो ऐसा क्यों है पुआ, आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ दुनिया के देशों में स्मोकिंग करने, अल्कोहल पीने या वोट देने के लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए। वहीं इस देश में इन सब चीजों की उम्र 19 साल की है। और साथ ही में दोस्तों, ये देश दुनिया के सबसे ज्यादा शराब पीने वाले देशों में से एक भी है। गाइस, आप लोगों ने अपनी लाइफ में सैमसंग कंपनी के प्रोडक्ट का तो यूज करा ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों को पता है सैमसंग कंपनी की शुरुआत भी इसी देश में हुई थी। और साथ ही में दोस्तों, फेमस सिंगर नैन्सी मोमोलैंड भी इसी देश से हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जापान के पड़ोसी देश साउथ कोरिया के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साउथ कोरिया के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जिन्हें जानकर आप लोग एकदम हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं साउथ कोरिया देश के एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले आपको बता दें, एशिया महाद्वीप में स्थित साउथ कोरिया को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जाना जाता है। इस देश का राजधानी शहर होने के साथ साथ सियोल यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, ये देश अपनी सैमसंग कंपनी और पॉप म्यूजिक की वजह से दुनिया भर में लोकप्रिय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में टैटू बनवाना गैर कानूनी है। यहाँ पर बिना मेडिकल लाइसेंस के टैटू बनवाने पर आपको जेल भी हो सकती है। दोस्तों, साउथ कोरिया के बारे में एक मजेदार बात यह है कि जैसे दुनिया के देशों में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है जिसमें लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं, वैसे ही साउथ कोरिया में वैलेंटाइन डे की जगह व्हाइट डे मनाया जाता है। इस दिन यहाँ पर लड़के नहीं बल्कि लड़कियाँ लड़कों को प्रपोज करती हैं। है ना कितनी मजेदार बात। इस देश की टोटल पॉपुलेशन लगभग 5,20,00,000 के आसपास है, जिस वजह से ये देश एशिया महाद्वीप का 13वां और दुनिया का 28वां सबसे घनी आबादी वाला देश भी है। अगर सेक्स रेशो की बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्येक 100 लड़कियों पर 102 लड़के हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो के शुरुआत में बताया गया था कि यहाँ के लोग बच्चा पैदा होने पर उसे एक दिन की बजाय एक साल का मानते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि साउथ कोरिया के लोगों का मानना है कि माँ के गर्भ में बच्चा लगभग 9 महीने का समय बिताता है। इसी वजह से यहाँ के लोग बच्चे को एक दिन की बजाय एक साल का मानते हैं। अगर इंटरनेट स्पीड की बात की जाए तो इंटरनेट स्पीड के मामले में ये देश दुनिया में नंबर 1 पर है। यहाँ के लगभग 98% लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं। और साथ ही में दोस्तों, साउथ कोरिया में आप लोग किसी भी जगह फ्री वाईफाई का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे इंडियन करेंसी को रुपीस कहा जाता है, वैसे ही साउथ कोरिया की करेंसी को कोरियन बोन कहा जाता है। और इस समय एक इंडियन रुपीस की कीमत लगभग 16 साउथ कोरियन बोन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे एशिया में साउथ कोरिया के लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। और साथ ही में गाइस, इस देश में आप लोग खुलेआम किसी भी जगह पर शराब पी सकते हैं, चाहे वो पब्लिक पार्क हो या रोड। लेकिन गाइस, अन्य देशों की तरह ड्रिंक एंड ड्राइव यहाँ पर भी गैर कानूनी है। अगर इस देश के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो साउथ कोरिया के पड़ोसी देशों में नॉर्थ कोरिया, चाइना और जापान देश शामिल है। साउथ कोरिया में टीचर की जॉब एक बहुत ही प्राउड वाली जॉब है। यहाँ के बहुत से लोग कड़ी मेहनत करके टीचर की तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टीचर की मंथली इनकम लगभग 2.5 लाख इंडियन रुपीज है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की लगभग 90% समुद्री मछली का निर्यात इसी देश से किया जाता है। दोस्तों, आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस देश में एक ऐसा पार्क है जिसमें पेनिस की कलाकृतियां बनी हुई हैं, और ये पार्क पेनिस पार्क के नाम से दुनिया भर में लोकप्रिय है। दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी देशों में सुअर को अक्सर गंदे जानवर के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर सुअर को सपने में देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस देश के बारे में सबसे अजीब बातों में से एक बात यह है कि यहाँ पर इंसान की पहचान उसके ब्लड ग्रुप से की जाती है। इंसान का ब्लड ग्रुप ये तय करता है कि वो अच्छा है या बुरा। दोस्तों, साउथ कोरिया के ज्यादातर सभी लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 81% लोग शहरों और 19% लोग गाँव में रहते हैं। अगर टूरिज्म की बात की जाए तो यहाँ पर घूमने के लिए काफी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहाँ पर हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर घूमने की मुख्य जगहों में एंशियोल टावर, नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया, ग्योंगबोंगंग पैलेस, बुचोंग हनोक ब्लेस, लोटे वर्ल्ड, बुकानशन नेशनल पार्क आदि जगह शामिल है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।